आगे जाकर दिया लाओ ना कैमरा आगे जाकर दिया ना आगे बाकी दिया जड़ाया गया है आधा जड़ा है वो और आपको मैं यहीं है डेड बॉडी मैं आपको दिखा के ले आऊं चलो मेरे साथ हम 16 तारीख को पूरी फैक्ट्री छान के आए थे अच्छी तरह से कहीं अब मेरे पिताजी वहाँ है तो नहीं फैक्ट्री अच्छा। में कहीं मार के दाब दिए या नहीं लेकिन वहाँ हमें कुछ भी सुराग नहीं मिला था उस टाइम एक मामला 23 दिन हो चुके जो मैंने आपको कोर्ट परिसर के अंदर दिखाया था अनाथ आल्ले वाला वो भी मामला अभी तक कहीं ना कहीं अटका खड़ा है और 3 दिन से ये लोग भी परेशान हो रहे हैं अब किस तरह हो रहे हैं अब ये बताओगे कि हम परेशान इस तरह हुए और आज इनकी पिता की मिली तो मिली डेड बॉडी जी बताएं क्या प्रक्रिया थी किस प्रकार से हुई क्या क्या कारण था मेरा नाम शुभम है जी अच्छा मेरे पिताजी कोट रोड पे गांव कोट गांव के पास जो गोदाम फैक्ट्री है कबाड़ की बलबीर अच्छा, की उसमें चौकीदार का काम करते चौकीदार काम करते थे हाँ जी लगभग अच्छा, 5 साल हो गए थे उनको अच्छा अच्छा ठीक है जी तो डेली रूटीन की तरह वो अपनी ड्यूटी पे गए थे रात को 16 अच्छा, तारीख को अच्छा लगभग 9:45 अच्छा ठीक है जी और उस 9:45 के बाद में लगभग 10:30 मेरी मम्मी से बात की है फोन पे जब तक ठीक ठाक थे वो अच्छा ठीक है फिर सुबह 7 हम वेट कर रहे थे उनका घर पे आने का अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी घर पे नहीं आए और मालिक आया घर पे बलबीर फैक्ट्री का मालिक आपके घर पे हाँ मैं सुबह 17 तारीख को 17 तारीख को हाँ बिल्कुल कल अच्छा जी सुबह आया बोला तुम्हारे पिता घर पे आए वहाँ जी नहीं हमारे पिता यहाँ नहीं है अच्छा बोला तो फैक्ट्री में भी नहीं है वो मैं फैक्ट्री से आया हूँ तो मैं हम उनके साथ पिता को गुम हुए कितने दिन हो गए गुम हुए मेरे पिताजी हमें तो सुबह 17 तारीख को सुबह 7 तारीख को रात को ड्यूटी गए थे रात अच्छा, को 17 को सुबह नहीं आए वापस हाँ सुबह नहीं आए वापस अच्छा 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 तो हम उनके साथ गए देखा जाके फैक्ट्री में वो बोले कि जो फैक्ट्री का मेन गेट था वो अंदर से बंद था अच्छा मैंने दीवार कूद के गेट खोला है जब जाके अंदर देखा तो हमने देखा वहाँ पे मेरे पिताजी की चप्पल जूते बुशर्ट और तौलिया वहीं पर थे लेकिन फैक्ट्री के अंदर थी जहाँ पर वो आराम करते थे वगैरह अच्छा जी ठीक है लेकिन मेरे पिताजी की बाइक और मेरे पिताजी और उनका फ़ोन अच्छा ये यहाँ से गायब थे जी अच्छा जी और हमने फिर उनके पास उसके बाद FIR दर्ज करवाई है थाने में पुलिस के पास तो कल रात को भी आप SP की कार्य बिल्कुल गए थे इसलिए था वो मिले कौन थे इसलिए था वो इसलिए गए थे हमें परेशान हो गए थे हम सुबह लगभग 8 या 9 के बीच में थाने में पहुंच गए थे अच्छा, लेकिन हाँ अच्छा लेकिन हमें शाम तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि आपका पिताजी यहाँ है या उनकी लास्ट लोकेशन या वो कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता आपको थाना कौन सा लगता है थाना इस उसको मिला कि भाई अभी तक पता चला कौन है हाँ जी ढूंढ जाएंगे बिल्कुल जी फिर उसके बाद फिर हमें शाम को मतलब हम बेचैनी हो गई कि पिताजी आए नहीं है ना उनकी कोई खबर है तो इस चक्कर में कानूनी कार्रवाई कुछ हो नहीं रही थी इसलिए हम SP ऑफिस SP कल शाम को कितने बजे गए SP कोठी के ऊपर SP के कोठी के 8:30 फिर आपने वहाँ पे प्रोटेक्शन किया हाँ जी बिल्कुल अच्छा लेकिन वहाँ से क्या सबसे मिला आपको वहाँ से हम मिलने गए थे SP साहब से लेकिन SP साहब हमसे मिले नहीं अच्छा उन्होंने फ़ोन पर ही बात की और कहा कि मैंने SHO को मौका तस्दीक पे भेज दिया आप उसके साथ जाओ अच्छा। वो आपकी कार्रवाई करवाएंगे कार्रवाई करेगा हाँ जी। और आपको पता सुबह चला कि आपके पिताजी आपको पता कैसे चला कि किस प्रकार से क्या हुआ हम सुबह सभी निकलने थे अपने पिताजी को ढूंढने के लिए अच्छा घर से हाँ घर से अच्छा जी अगर कहीं पर मिले जाए कहीं भी लेकिन फिर सुबह जो मजदूर आए ना फैक्ट्री में अच्छा काम करने के लिए उन्होंने वो बताई कि यहाँ पे लाश पड़ी है अच्छा फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला है तो आपके पास फोन किसका मजदूरों का आया या मालिक का आया नहीं मेरे पास तो मेरे जो घरवाले थे ना वो भी पहुँच रहे थे वहाँ पे उन्होंने बताया जबकि हम 16 तारीख को पूरी फैक्ट्री छान के आए थे अच्छी तरह से कहीं अब मेरे पिताजी वहाँ है तो नहीं फैक्ट्री में कहीं मार के दाब दिए या नहीं लेकिन वहाँ हमें कुछ भी सुराग नहीं मिला था उस टाइम पे लेकिन आज सुबह वहाँ उनकी लाश उस फैक्ट्री में मिली है अच्छा एक दिन पहले फैक्ट्री को पूरी तरह देख आए थे 16 तारीख को सुबह जब लापता हुए तो वहाँ पे चेक करके आए थे और बाकायदा जिस टाइम SP साहब की कोठी पे गए थे तो SHO साहब हमारे साथ थे लगभग 11 तक हमने वहाँ पे छानबीन की है SHO साहब हमारे साथ थे हमें हमारे और वहाँ पे कुछ नहीं था आपको पता चला कि आपके पिताजी की तो इस तरह लाश पड़ी है हाँ जी बिल्कुल वहाँ पे उनकी वो लाश मिली है अच्छा और जब जाके आगे पुलिस ने वो की तो अब क्या
कार्रवाई की मांग करते हैं, किस प्रकार की मांगे रहेंगी आपकी? मैं किस पे को शक भी वगैरह दायरा भी है? शक है मेरा मालिक का लड़का है, दोनों का नाम लेते दो लड़का है मालिक का, वो शराबी है बिल्कुल। अच्छा। उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है मेरे पिताजी का, वो घर पे झगड़ा करते थे, आज वो ये बोला आज वो बोला। कुछ दिन पहले बाइक लेके चला गया वो लड़का मालिक का, और बाइक शराब पी के ना शराब पी के कहीं पे छोड़ दी वो। अच्छा। और फैक्ट्री में आके मेरे पिताजी से बात करने लगा, मेरे पिताजी बोले बाइक लेके गया था, कहाँ है वो बाइक? तो बोला तेरे को क्या है, मैं कुछ भी करूँ ये है वो, ऐसा करके हाथापाई करने लगा। आपकी थी उसकी थी? बाइक उनकी थी जी, बाइक उनकी थी। हाँ। अच्छा, तेरे आपके पिताजी की चिंता थी? हाँ जी, ये भूलया किसी की भूलया कहीं पे। और वो बाइक एक हफ्ते बाद में मिली है वो होटल पे जिस पे गया था वो शराब पीने। अच्छा वहाँ। अच्छा, वहाँ मिली? वहाँ मिली। चलो बाइक मिली थी। लेकिन आपके पिता तो चिंता करने वाले थे और उनने की मृत्यु होगी, फिर डेथ होगी। हाँ जी, क्या मानते हैं? और आप उनने लोगों का नाम लोगो? अब नाम तो ये जी, और तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है नहीं। अच्छा है, बात तो वो फैक्ट्री वाले लड़के के साथ ही है। ठीक है, बापू बेटे की दोनों की है। अच्छा, दोनों की साजिश से जो काम होया, क्योंकि जिस टाइम वो अब करते? अब पिताजी उसका कहाँ है, फैक्ट्री मालिक कहाँ है, कहाँ है? अरे आप बताओ कि कहाँ पे, हमें क्या बताओ? वो अब हमें मिलता है, मतलब नू बताऊँ CIA में है। अच्छा। मतलब बिना है, मतलब वो करे, मतलब वो CIA में कैसे चला गया? अच्छा, और कहीं जा रहा है तो वो कैसे चला गया? अच्छा, और बेटा कहाँ है? फैक्ट्री सारी खाली है, हम सारे उधर जाया है, मतलब ना मालिक आया ना बेटा आया। क्यों? जिसकी चीज है वो वहाँ नहीं आया, उस वहाँ जो काम हो रहा है, डेथ हो रही है किसी की। अच्छा। किसी ने मार दिया या उनने मारा। क्यों नहीं आए मैं वहाँ पर? जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मजदूर, मालिक को संभालने की विवाह नहीं है, तो आप देखो ही, आप बताओ। मालिक तो वहाँ बैठ गए जाके बताओ। हाँ, आप मौके पर गए थे, वहीं पे थे जॉब? हाँ, डेथ उठाई जी, वहाँ हम ही थे। आप वहाँ पे थे? हाँ। किस प्रकार की डेड बॉडी की व्यवस्था थी, क्या था? जड़ाया गया है, आधा जड़ा है वो, और आपको मैं यहीं है डेड बॉडी, मैं आपको दिखा के ले आऊँ, चलो मेरे साथ। अर्ध जली डेड बॉडी के सर के ऊपर चोट का निशान है। अच्छा। मतलब कि सर पे पहला मारा गया है। अच्छा, अच्छा। फिर उनको घिसाया गया या कुछ भी किया गया है, बाद में निशान है जो वो डेड बॉडी डरे ना, तो जो बात है ना खुल के बोल इसके शैमी बस। और डेड बॉडी मतलब ऐसी हो रही है पिछाड़ा नहीं जाए। तो आप लोगों ने देखा था किसकी? नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, अभी आए हैं जी। मुँह भी उरत है सारा, ये पार्ट रखे, नाक भी पार्ट रखे, और मतलब सारा उरत तक का है ना, सारा चेहरा बिल्कुल काला हो रहा है बिल्कुल, और उरत एक हाथ आधा जड़ रहा है, और सारी बॉडी पूरी सूज रही है। तो पुलिस द्वारा आपने क्या आश्वासन मिला आपको द्वारा? पुलिस ने कहा कि अभी ये पोस्टमार्टम करेंगे और फिर जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। चलो, अब पुलिस अधिकारी होंगे अंदर, उनसे जानने कुछ हुआ कि सर अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई देखी जाएगी इस मामले के ऊपर। हेलो, मामला था, क्या नोटिस में आया? ये 16 तारीख को ये सुरेंद्र मृतक जो है ये कबाड़ के गोदाम पे गया था, अपनी ड्यूटी पे चौकीदारी करता है ये, और 17 तारीख को हमारे पास सूचना मिली कि अपनी मोटरसाइकिल समेत गायब था कबाड़ के गोदाम से, कोट रोड पर को गोदाम है। उसके बाद हम मौके पर पहुँचे, इसके जो लड़के हैं शुभम, उसने हमारे को थाने में आके शिकायत पेश कर दी, हमने इसके ऊपर गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर दिया, 132 नंबर FIR है। उसके बाद आज 18 तारीख को सूचना मिली कि भाई इसकी एक व्यक्ति की डेड बॉडी उसी कबाड़ के गोदाम में कट्टों के नीचे दबी हुई है। हम मौके पर पहुँचे तो देखा कि कट्टों के नीचे डेड बॉडी दबी हुई है, वहाँ पर FSL टीम सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया, और उसके बाद इसके लड़के के बयान दर्ज करे, और अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ कार्रवाई चल रही है। क्या मामला लगता है, ये मर्डर का मामला है या कोई अभी भी किसी परिवार प्रथम दृष्टि से तो इन्होंने मर्डर का ही जो है अपने बयान में पर्चा दर्ज करवाया, हमने पर्चा दर्ज इसी में धाराएँ ऐड कर दी 302, 201, उसके बाद जो भी होगा आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। मृतक की बाइक भी कहीं नहीं है सर? मृतक की बाइक वहाँ बस स्टैंड के पास मिली है। फैक्ट्री और बाइक का काफ़ी अंतर है? अंतर है, अभी इसकी जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन। क्या कंडीशन थी जिस पर
मृतक की पोजीशन डेड बॉडी फूली हुई थी क्योंकि गर्मी के अंदर है। अभी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो गया कितने देर पहले की जो है कार्रवाई है, उसके बाद सारे क्लियर हो गए। अहम सवाल जो बता रहे हैं उन्होंने कहा जले हुए यहाँ पे चोट के निशान क्या मानते हैं? नहीं, वो जो है ना डेड बॉडी काफ़ी फूली हुई थी, FSL टीम मौके पे आई, उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं, बाकी जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद सभी क्लियर हो जाएगा, उसमें क्लियर होगा। हाँ जी, जले जुली गई थी। अभी तो फिलहाल प्रथम दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पोस्टमार्टम से पहले जो डेड बॉडी का मुआयना हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम करती है उसमें ये बताया कि अभी इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं। बाकी जो पोस्टमार्टम के बाद सभी क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, तो अब ये कल रात की घटना है या इनको कल सुबह पता चला है, लेकिन ये घटना है और पुलिस ने बताया कि अब तफ्तीश पूरी छानबीन ईमानदारी से की जाएगी। तो ये माहौल और ये सिस्टम है आज के दिन का, और मैं टेंशन हो से आज ना पंकज होने गया खास रिपोर्ट।